नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की हुई बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की गई चर्चा। कहा कि हमारा ध्यान बेरोजगारी, बेरोजगार, महंगाई और घरेलू बचत में कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्रित है। कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राहुल गांधी और खड़गे ने की जीतू पटवारी से बात। बंद कमरे में राहुल और खड़गे ने पटवारी से चर्चा की। राहुल और खड़गे ने जीतू पटवारी से ली प्रदेश संगठन की रिपोर्ट। दिग्गजों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को लेकर भी पूछताछ की। पार्टी कार्यकर्ताओं के निचले स्तर तक कार्यक्रम के निर्देश दिए गए। वहीं राहुल ने जल्द प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के निर्देश दिए। एमपी में जल्द ही दो बड़े प्रदेश प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश। दिल्ली के बड़े कांग्रेसी दिग्गज एमपी के प्रदर्शन में हुए शामिल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बांग्लादेश मुद्दे पर बीजेपी को घेरने पर चर्चा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में महिला उद्यमी सम्मेलन का किया गया आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। सीएम ने कन्या पूजन पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। महिला उद्यमी बहनों ने सीएम को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में बांधी राखी। ₹275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने एमएसएमई का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में दिक्कत आता, हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए। भोपाल में बोट क्लब पर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुब्बारे उड़ाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स बोट में तिरंगा लेकर की परेड। मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराकर सभी का उत्साहवर्धन किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, सांसद आलोक शर्मा सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी और बीजेपी नेता रहे मौजूद। अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल बोट क्लब ने आज तैरती नावों पर तिरंगा छिड़कता हुआ जो नजर आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हम सबका सौभाग्य आजादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और इसका परिणाम जो आया वो सफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। अशोकनगर में देखने को मिला न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर। ग्रामीणों की दुर्दशा का सिंधिया ने लिया संज्ञान। नहर पर पुल बनवाने के लिए दिए गए निर्देश जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी पार करते हैं नदी को। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की ओर से निर्देश दिए गए। 2 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा पुल। बुंड्रा कला के ग्रामीण हमारे परिवारगण रस्सियों से नदी पार करते हैं, उस पर तीव्र गति से हम लोग ने एक्शन लिया है। 2 करोड़ का पीपीआर बन चुका है। ये प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और बीवीडी पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मेरा ऑफिस फॉलो अप कर रहा है। जल्द से जल्द ये स्वीकृत हो ताकि इस समस्या का समाधान हम लोग निकाल पाए।
जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारी तेज। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम और एसपी शलभ सिन्हा ने परेड की दी सलामी। साथ ही जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। उससे पहले सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए। पंद्रह अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे और इस उपलक्ष्य पे परेड होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी के संबंध में आज हम लोगों ने फाइनल जो ड्रेस रिहर्सल होता है वो भी पूर्ण किया है और जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां लगी हमको उसको जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बता करके और इम्प्रूवमेंट करने का जो स्कोप है वो निर्देशित किया गया है और हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त को एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर लालबाग मैदान में सम्पन्न होगा। स्वतंत्रता दिवस के 77वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रत्येक जिलावासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हर घर तिरंगा अभियान जारी है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक घर में तिरंगा को लहराए और जिस तरीके से जो मार्च पास्ट की हो या फिर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की हो बहुत अच्छी एक जगह हम लोग बस्तर के निवासियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर मैं प्रत्येक जिला के रहवासियों से आग्रह करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस में जरूर शामिल। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को मिली पैरोल। आसाराम को इलाज के लिए मिली 7 दिन की पैरोल। पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पर आसाराम को पैरोल दी गई। एक बार फिर से जेल से बाहर आया राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। आपको बता दें कि फरलो राम रहीम को दी गई। बरनावा के आश्रम में बिताएगा पैरोल का समय। सुनारिया जेल से बाहर आया है राम रहीम। हरियाणा की सुनारिया जेल से राम रहीम को पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में राम रहीम बिताएगा। IISER का 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और इसी दौरान इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। IISER के 442 शोधार्थियों को डिग्री दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कॉलेज के आधार पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 3IIIT हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 6 ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना कर रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना भी की है। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी प्रतिभाओं के ऊपर मिलने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसके नाते से समाज में आप अब आज के बाद आपकी एक विशेष पहचान बनेगी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, हजारों साल से हमारी अपने जिस कारण से भारत की दुनिया में पहचान है और भारत की अपनी इच्छा भी है। एक शब्द बोलते हम, भारत विश्वगुरु बनना चाहता है। तो विश्वगुरु का अर्थ क्या है? विश्वगुरु अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान परंपरा से दुनिया में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकल्प, पवित्र संकल्प हम धारण करना चाहते हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह मंत्री आतिशी नहीं फहराएंगी तिरंगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मंत्री